विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज की यह वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित होगी और यहाँ पे हम कवर करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और ये वीडियो होगी वन लाइनर के रूप में। आप इसे एक पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं। आपको इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे इसे केवल पढ़ पाएंगे, इसका पीडीएफ उपलब्ध नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आपको इसी तरह एक क्वेश्चन दिखेगा और उसके सामने उसका उत्तर दिया गया है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और जो कि वन लाइनर है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं है, इसमें ढेर सारे स्थल थे, जिसमें से इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कालीबंगा है या फिर इसको कहीं कहीं कालीबंगन भी कहा जाता है, ये कौन से प्रदेश में है। तो कालीबंगन या फिर कालीबंगा ये है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा है, उसी तरह हड़प्पा भी एक सभ्यता है। यहाँ पे के लोगों को सामाजिक पद्धति पूछा गया है, तो ये उचित समतावादी के थे। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है। तो देखिए, इसके बारे में जैसे कोई भी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उसका जो खुदाई हुई है वहाँ से जो भी हमें साक्ष्य मिलता है उसी के बारे में हम बता पाते हैं कि वहाँ के लोग कैसे थे, क्या खाते थे, उनका कल्चर कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता में एक जगह मिला है हल, खेत से जोता गया, यहाँ पे हल मिला है। तो आपको बताना है कि ये हल कहाँ पर मिला है। तो ये मिला है कालीबंगा या फिर कालीबंगन में। अब कालीबंगन कहाँ पर है, तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। मतलब कि वहाँ पे जो हड़प्पा के समय में मुद्रा होती थी वो किस चीज़ की बनी होती थी, तो वो बनी होती थी सेल खड़े के, सेल खड़े। अगला क्वेश्चन कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आपने देखा होगा कि मतलब एक नर्तकी की मूर्ति मिली है वहाँ पे, वो पूरा एक तरह से देखा जाए तो नाचने के पोजीशन में है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये मूर्ति मिली है कांस की, ये कहाँ से मिली है, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा वासियों के पास तांबा तो था लेकिन उनके पास लोहा नहीं था। अगला क्वेश्चन कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, तो ये खोज कहाँ पे हुई थी। तो जो माप और तौल वाली खोज थी ये हुई थी लोथल से। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि मोहन जोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहन जोदड़ो मतलब कि मृतकों का टीला, इसको मतलब कि इसका अलग भाषा में खुद ब खुद में नाम है मृतकों का टीला। दरअसल मोहनजोदड़ो का खोज एक एक्सीडेंटल तौर पे हुआ था। वहाँ पे एक रोड बनाया जा रहा था, वहाँ पे जो लोकल ठेकेदार था उसने इसमें कुछ ऐसी ईंटें प्रयोग की जो वहाँ का जो मिस्त्री था या फिर जेई था उसे थोड़ा अजीब लगा। तो उस जेई ने आके पूछा कि तुमने ये ईंट कहाँ से लाया, इतनी बढ़िया ईंट तो तुम्हारी नहीं हो सकती। तब जाके जो वहाँ का ठेकेदार था, लोकल ठेकेदार, उसने बताया कि पड़ोस में एक टीला है, टीला नहीं एक तरह से पूरा एक गांव है देखा जाए तो, वहाँ पे ये ईंटें मिली हैं और हम उसने ही साफ करा के यहाँ पे लाके लगा रहे हैं। तो इस तरह मतलब जब वहाँ पे खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ पे तो पूरी एक सभ्यता ही है। तो यहाँ पे लोगों को पता था कि यहाँ पे पुराने समय में कुछ लोग थे, मर गए थे, इनको मृतकों का टीला कहा जाता था और लोग वहाँ पे जाने से डरते थे। तो इसी तरह मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और ये खोज एक्सीडेंटल हुई थी। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और अगला क्वेश्चन है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या फिर यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा। तो देखिए, जो भी हमारे इंडिया में जो भी था उसे जो ग्रीक लोग थे उन्होंने अपना नाम दिया। तो इसी तरह जो कपास था इसे वो लोग कहते थे सिंडन, सिंडन या फिर सिंड। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, मतलब कि इसकी जो मुख्य विशेषता क्या थी। तो ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी।
इसके जो नगर मतलब नगर में जो घर बसाने की प्रक्रिया थी बेहद अच्छी थी। इसमें जो एक बीच में सड़क जाती है, दोनों तरफ घर होते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो यह है हड़प्पा। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे कहाँ पर कुओं के अवशेष मिले हैं, तो ये था मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो क्या है, तो ये है दयाराम साहनी तथा राखल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी, तो देखिए यहाँ पे ये लोग कांस से परिचित थे, ये लोग लोहे को नहीं जानते थे और कांस से परिचित होने के कारण इनके युग को कांस्य युग कहा गया। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये लोग व्यापार करते थे, एक दूसरे में व्यापार करते थे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और आपको बता दें कि इस तरह की और भी वीडियो उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको उन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। अगला क्वेश्चन कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये कहाँ पर है, तो ये है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र मतलब कि गुजरात। अगला क्वेश्चन कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे कि ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो देखिए सिंधु घाटी में कई तरह के मुहर मिले हैं। यहाँ पे एक ऐसी मुहर मिली है जिसपे एक बैल का फिगर है, और एक एक ऐसा मतलब मोहर मिले जिसमें एक भगवान है और उनके आसपास कई पशु हैं जिनको पशुपतिनाथ कहा गया है। तो ये जो बात हो रही है दो घाटी सभ्यताओं के बीच है, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया, तो इन दोनों के बीच जो सील मिली है वो है बैल का। तो ये जो बैल वाली सील है सिंधु घाटी में भी मिली है, मेसोपोटामिया में भी मिली है, तो इससे ये पता चलता है कि इसका मतलब कि ये दोनों जो लोग थे दोनों जगह के ये एक दूसरे से व्यापार करते थे, तभी ऐसा हो सकता है कि इनकी सील भी इनके यहाँ प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, तो ये मिलता है हड़प्पा संस्कृति या फिर सभ्यता में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो हड़प्पा में जो भी मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं वहां पे उन पे अधिकतर बर्तनों पे लाल रंग पाया गया है। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले किए, मतलब वो मतलब किसका उत्पादन सबसे पहले किया, तो ये था कपास। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, तो ये है दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा यानी कि कालीबंगन, और कालीबंगा या कालीबंगन कहाँ पर है, तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो यह है सिंध में, सिंध। अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार कहाँ पे पाया गया है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्नानागार पाया गया है, मतलब कि देखने पे ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पे आके स्नान करते थे, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे अग्निकुंड पाए गए हैं, तो यहाँ पे ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में, और यहाँ पे ऐसा देखने पे लगता है कि यहाँ पे लोग पूजा पाठ के लिए इसे यूज करते थे। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं, ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे, ये लोग किससे परिचित थे, तो कांस्य से, इसीलिए इनकी जो सभ्यता थी इनको कांस्य युगीन भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे बैल का तो प्राप्त हुआ है लेकिन जो गाय है इसका अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है, तो ये बात हो रही है स्वतंत्रता के बाद, तो यहाँ पे हुआ है गुजरात से। हालांकि अगर यहाँ पे पूछा है, अगर ये पूछेगा कि सबसे नवीन कहाँ पे काम हुआ है मतलब अभी लेटेस्ट में, तो ये हुआ है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पर, तो ये पता चलता है धौलबीरा में। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1921 में, कौन किया था, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का
जो पतनगर मतलब कि बंदरगाह कौन सा है, तो ये है लोथल। अब आपको बता दें कि लोथल कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। देखिए जो इसका टाइम पीरियड है, तो अधिकतर विद्वानों में अलग अलग इसे माना है। कुछ लोग इसे 2600 से लेके 1400 मानते हैं, कुछ लोग इसे 2500 से लेके 1750 मानते हैं। तो यहाँ पे जो सर्व मान्यता प्राप्त है, जिसको लगभग ज़्यादा लोग मानते हैं, ये है 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक, इसको ज़्यादा लोग मानते हैं। नहीं तो देखा जाए तो कई लेखक हैं, इतिहासकार हैं, जो जो अलग अलग डेट को मान्यता देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, तो ये है सूत कोरदा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। युगल समाधान मतलब कि दो लोगों को एक साथ दफनाने का, तो ये है लोथल में। लोथल मतलब कि गुजरात। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ये बनाए जाते थे ईंट से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले, और आप इसे पेज वाइज पढ़ सकते हैं। आपको इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।